नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सुथार स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री प्रैक्टिकल तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके और प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर एंड तक कंप्लीट देखना। और ये हमारे प्रैक्टिकल सेशन का चौथा वीडियो है, इससे पहले हम प्रैक्टिकल सेशन के तीन वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो आप इस वीडियो के साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल सेशन के जो तीन वीडियो है उन्हें भी आप जरूर देखना। और उन तीनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक करना, क्योंकि हम इस चैनल पर टैली प्राइम, बीजी सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर, फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर, कॉम्पुटेक्स सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल सेशन का चौथा वीडियो। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे के इस कंपनी में हमने कुछ एंट्रियां ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, जो कि हमने हमारे जो प्रैक्टिकल सेशन के जो तीन वीडियो थे उसमें हमने स्टेप टू स्टेप एंट्रियां करी थी। तो एक बार उन सभी एंट्रियों को हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए टैली के होम पेज यानी कि गेटवे टैली पे आके, और उसके बाद हम जाएंगे डे बुक पर। और डे बुक पे जाने के बाद हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये केवल 2 नवंबर 2020 की एंट्री शो कर रहे हैं, तो हम इसको F2 से और स्पेस बार से इसकी डेट को हटा देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये सारी पूरे ईयर का जो डाटा है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हो एक एंट्री हमारे पास परचेज वाउचर की, जो कि हमने श्याम ब्रदर से परचेज करी थी 1 नवंबर को, और इसका इनवॉइस नंबर ये SB6547 और 50,705 रुपये की अमाउंट थी इस इनवॉइस की। और ये जो इनवॉइस है ये वही इनवॉइस है, आप देख सकते हो 50,705 रुपये वाला। तो दोस्तों, ये गुड्स हमने श्याम ब्रदर से परचेज किया था 1 नवंबर को, लेकिन कुछ ऐसी इस गुड्स में प्रॉब्लम आएगी जिसके कारण हमें ये इसमें से एक आधा गुड्स है जो इस कंपनी को वापस रिटर्न करना पड़ गया। तो जैसे ही हमने इस कंपनी को वो गुड्स रिटर्न किया, तो कंपनी की यानी कि श्याम ब्रदर की तरफ से हमें ये क्रेडिट नोट वाउचर मिल गया। तो ये इशू किया है श्याम ब्रदर्स ने, और वाउचर क्रेडिट नोट, यानी कि ये श्याम ब्रदर्स के लिए तो होगी सेल रिटर्न, और स्मार्ट इंटरप्राइजेस के लिए होगी परचेज रिटर्न। तो इसमें हमने जो प्रोडक्ट वापस किया था वो है डेल का कीबोर्ड क्वांटिटीज की 4 पीस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है भी, इसका क्रेडिट नोट का नंबर क्या है, उसके बाद क्रेडिट नोट की डेट क्या है, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी कि ये जो सामान वापस आया है श्याम ब्रदर्स के पास में, तो ये जो सामान कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में सेल हुआ था, उसका इनवॉइस नंबर क्या था, और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट यानी कि किस तारीख को सेल हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस क्रेडिट नोट वाउचर में प्रिंट होके आई है। तो इसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे, तो हम आते हैं टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे, और इसके लिए हम सबसे पहले जाना पड़ेगा टैली के होम पेज यानी कि गेटवे टैली पर, और अब जाएंगे हम वाउचर्स पर, और वाउचर्स पर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये डेबिट नोट वाउचर है ओपन हुआ है। अगर आपके पास में अलग वाउचर हो, कोई डेबिट नोट या डेबिट नोट के अलावा अगर कोई पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल या परचेज वाउचर हो, तो हमें यहाँ पर अगर डेबिट नोट वाउचर लेके आना हो तो किस तरीके से लाएंगे, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ओनली एल्ट बटन। आप जैसे ही एल्ट बटन प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों ऑप्शन ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है भी, जब हम tally.erp9 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे तब हमें F11 में जाके और अकाउंटिंग फीचर्स में जाके ये इनको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इनेबल करना होता था, लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो ओपन ही रहेंगे।
तो हमें डेबिट नोट लेके आना वाउचर यहाँ पे। तो डेबिट नोट के लिए हम चाहे तो शॉर्टकट एल्ट F5 भी बटन प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर आ गया। और अब ये जो डेबिट नोट वाउचर हमारे सामने ओपन हुआ है, इसका जो मोड है इसे हम बोलते हैं वाउचर मोड। और हमें चाहिए आइटम इनवॉइस टाइप, तो हमें मोड इसका चेंज करना पड़ेगा। और मोड चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इस चेंज मोड पर क्लिक करना पड़ेगा और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल H। तो चेंज मोड पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार टाइप के मोड हमारे सामने ओपन होके आएंगे। और हमें परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट यूज़ करना है तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे आइटम इनवॉइस को। तो आइटम इनवॉइस पे हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो डेबिट नोट वाउचर आ गया और ये जैसे परचेज या सेल वाउचर हमें दिखता है उसी तरीके से शो होने लग गया। और पार्टी अकाउंट नेम में हम सेलेक्ट करेंगे श्याम ब्रदर्स को, यानी कि हमने श्याम ब्रदर्स को ही गुड्स रिटर्न किया है। और उसके बाद में ये डिस्पैच डिटेल आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके की विंडो ओपन नहीं होती है तो आपको पर्टिकुलर करना क्या होगा, सिंपली आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F12, यानी कि टेली की कॉन्फ़िगर करने के लिए हम F12 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। तो इसमें हमें तीन चार ऑप्शन हमें इसको यस करने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोवाइड सप्लायर्स डिटेल, इसको यस करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिटेल्स, इसको भी यस करना पड़ेगा। और उसके बाद में प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, इसको भी यस करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नो है तो आपको इस तरीके की विंडो है जो शो नहीं होगी। तो अब इसमें जो भी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरियर नेम, एजेंट नेम, आप यहाँ पे बिल ऑफ लेंडिंग, यानी कि अगर आपने किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल सेल भेजा है तो उसका जो बिल्टी आपने बनाई है तो बिल्टी का नंबर, उसकी डेट, उसकी मोटर व्हीकल का नंबर। तो दोस्तों अगर आपने अपने पर्सनल व्हीकल से इसको गुड्स को वापस सेल भेजा है तो आप यहाँ पर अपने पर्सनल व्हीकल का नंबर भी डाल सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद में ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, यानी कि जो ये गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था जिस इनवॉइस के थ्रू हमने गुड्स परचेज किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस क्रेडिट नोट में है ही। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था SB6547 और इसकी डेट है वो 1 नवंबर, यानी कि 1/11/2020 है। तो SB6547 और डेट इसकी 1/11। और इसके बाद में पार्टी डिटेल, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे विंडो को। और नेम ऑफ आइटम, यानी कि हमने कौन सी आइटम है जो रिटर्न करी है, वो है डेल कीबोर्ड और क्वांटिटी इसकी 4 पीस। डेल कीबोर्ड और क्वांटिटी 4 पीस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जो रेट है 435 रुपये है वो ऑटोमेटिक ही पिक कर लिया। अब ये कौन सा रेट पिक किया, जब हमने परचेज वाउचर की एंट्री करी थी तो उसका जो रेट था पर पीस का वो 435 रुपये ही था। आप इस वाउचर में भी देख सकते हो ये 435 रुपये ही है। तो ये जो जिस रेट से हमने परचेज किया था उसी रेट से हम कंपनी को वापस रिटर्न करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में हमें लेज़र पूछेगा। अब हमें यहाँ पर एक कंप्यूटर पार्ट्स, ये तो हमारे पास जो लेज़र आ रहा है कंप्यूटर पार्ट परचेज 18% का, और अब हमें यहाँ पे एक लेज़र नया क्रिएट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न के लिए। तो हम इसके लिए शॉर्टकट Alt+C का बटन का यूज़ करेंगे और आप देख सकते हो लेज़र क्रिएशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी। और अब हमें यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा एक कंप्यूटर पार्ट्स परचेज रिटर्न GST 18% का, और ये अंडर में रहेगा परचेज काउंट, GST एप्लीकेबल रहेगी। और इसके सेट GST डिटेल को हम नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में से गुड्स को सेलेक्ट करेंगे। और इस तरीके से ये परचेज रिटर्न का लेज़र क्रिएट हमने कर लिया है। और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स, तो इस तरीके से ये हमने टैक्स लगा दिए। और अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें
तो 2053 रुपये पूरे, ये इसमें 20 पैसे जो राउंड ऑफ किए हुए हैं, तो हम हमारे टैली में भी इसको 20 पैसे को राउंड ऑफ करेंगे। तो हमने राउंड ऑफ का भी लेज़र ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो -0.20। तो इस तरीके से ये इसकी जो वाउचर की जो नेट अमाउंट है 2053 रुपये पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में प्रोवाइड GST डिटेल, इसमें हमें यस करना पड़ेगा। और इसमें रीज़न ऑफ इशूंग नोट, यानी कि आपने जो ये डेबिट नोट इशू किया है इसका क्या रीज़न है, तो इसका हम अदर्स में करेंगे। और इसमें सप्लायर्स डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, यानी कि सप्लायर्स की तरफ से आपको जो क्रेडिट नोट मिला है पार्टी की तरफ से, उसका नंबर क्या है, तो इसका जो क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पे SR/12, तो SR/12। और इसकी जो डेट है वो 2 नवंबर, यानी कि 2/11। और इस वाउचर को हम सेव करेंगे। तो इस तरीके से ये परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। अगर हमें हमारे कस्टमर का सामान अगर रिटर्न हो जाता है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, हमने 1 नवंबर 2020 को शिवम को ये गुड सेल किया था इस इनवॉइस के थ्रू। और अब शिवम ने हमने कुछ ये गुड्स है जो इसमें से रिटर्न कर दिया। और जब शिवम हमें इसमें से कुछ जो स्टॉक आइटम रिटर्न करेगा, तो उसका हमें भी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा इस कस्टमर को। और इस कस्टमर ने जो हमें गुड्स रिटर्न किया, तो उसका हमने इस तरीके से ये क्रेडिट नोट यानी कि सेल रिटर्न का इशू कर दिया वाउचर। तो ये स्मार्ट ट्रेडिंग स्मार्ट एंटरप्राइजेज इशू करने वाली है, और जो कंसाइजी नेम है उसका शिवम, यानी कि कस्टमर है शिवम। और उसका क्रेडिट नोट नंबर 1 और इसकी डेट है वो 2 नवंबर 2020 को किया है। और इसमें भी देख लो सब कुछ डिटेल आ रही है, भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर SE001 था, और इसकी जो डेट है वो 1 नवंबर थी। और जो स्टॉक आइटम वापस आई है हमारे पास, वह HP का कीबोर्ड और क्वांटिटीज की है 1 पीस, आप देख सकते हो क्वांटिटीज में 1 पीस है। तो इसकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करते हैं। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिएगा क्रेडिट नोट का वाउचर, और क्रेडिट नोट वाउचर के लिए हम Alt+F6 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्रेडिट नोट। और पार्टी नेम हम सेलेक्ट करेंगे शिवम को, यानी कि उस कस्टमर का नाम। और ये सारी डिटेल है जो रिसिप्ट की डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो अब इसमें से जो जो ऑप्शन हमें फिलअप करने ज़रूरी है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद डिस्पेस डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि ये जो सामान हमारे पास आया है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है, यानी कि किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल आया है, बाई हैंड आया है, किस तरीके से आया है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है तो उसमें सारी डिटेल, बिल्टी वगैरह का नंबर, गाड़ी का नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी होती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कस्टमर बाई हैंड आपके पास लेके आया है, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं बाई हैंड। और उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी होती है, ओरिजिनल इनवॉइस की डेट, यानी कि आपने ये जो सेल किया था उसका इनवॉइस नंबर क्या है, SE001, और ये 1 नवंबर यानी कि 1/11 को ये सेल किया था इस इनवॉइस के थ्रू। और उसके बाद में CVM की पार्टी डिटेल, इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। और नेम ऑफ आइटम, यानी कि आपके पास क्या स्टॉक आइटम आई है, तो HP कीबोर्ड आया 1 पीस, तो HP कीबोर्ड 1 पीस। तो अब यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर HP कीबोर्ड का पर पीस का रेट भी ऑटोमेटिक आ गया है। और ये रेट ऑटोमेटिकली इसलिए है क्योंकि हमने CVM को इसी रेट से सेल किया था। और अब हमें यहाँ पर सेल रिटर्न का भी एक नया लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट यहीं पर Alt+C प्रेस करेंगे बटन, और कंप्यूटर पार्ट्स सेल रिटर्न 18%, और ये अंडर में रहेगा सेल्स काउंट के। और टाइप ऑफ लेज़र नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल रहेगी। सेट डिटेल इसको हम नो रखेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई इसको गुड्स करेंगे, और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में जो टैक्स CGST और SGST टैक्स, और उसके बाद में प्रोवाइड GST डिटेल, इसे भी हम यस करेंगे।
और जैसे हम इसको यस करेंगे तो इसमें रीज़न ऑफ इशूंग नोट, यानी कि आपने अगर क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसका रीज़न क्या है, तो इसके हम रखेंगे सेल रिटर्न, क्योंकि हमारी तरफ से ये सेल रिटर्न हुई है। और बायर्स डेबिट नोट नंबर, अगर आपको कस्टमर की तरफ से अगर कोई डेबिट नोट मिला है तो उसका नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए कस्टमर है, तो कस्टमर हमें किसी पे टाइप का कोई नोट हमें नहीं देता, तो हम इन्हें खाली में रख सकते हैं। और इंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को हम एक्सेप्ट यानी कि सेव कर देंगे। तो दोस्तों, इस क्रेडिट नोट से और डेबिट नोट से इन पार्टी के स्टेटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेली के होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, और इसके लिए पार्टी के स्टेटमेंट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, उसके बाद अकाउंट्स बुक पर आएंगे और लेजर। तो सबसे पहले हम लेजर सेलेक्ट करेंगे श्याम ब्रदर्स का। तो आप देख सकते हो इस श्याम ब्रदर्स में कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुई है, और इसमें जो एक क्रेडिट में जो अमाउंट आ रही है ये अमाउंट है परचेज वाउचर की। आप देख सकते हो यहाँ पे ये परचेज वाउचर है, और उसके बाद में ये तीन ट्रांजैक्शन हमने इस पार्टी को पेमेंट करी है, और ये एक डेबिट नोट यानी कि 2053 रुपये का हमने श्याम ब्रदर्स को गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये भी इस पार्टी के खाते में डेबिट होएगा। और इसी तरीके से शिवम का लेज़र हम देखेंगे, तो आप देख सकते हो शिवम के लेज़र में भी कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। ये वही इनवॉइस है जिस इनवॉइस में हमने इसको सेल किया था, ये सेल वाउचर है, और उसके बाद में ये टोटल 4000 रुपये की अमाउंट हमारे पास रिसिप्ट हुई है। एक ये कैश के थ्रू हुआ था और एक ये हमारे पास चेक आया हुआ है, और ये 440 रुपये भी ये क्रेडिट हुए हैं ये क्रेडिट नोट वाउचर के थ्रू, क्योंकि हमने तो कस्टमर ने हमें 440 रुपये का सामान है जो रिटर्न कर दिया, तो ये पार्टी के खाते में भी क्रेडिट होएगी। तो अब इसका इफ़ेक्ट हमारी बुक्स पर क्या पड़ेगा, इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और अब यहाँ पर हम डिटेल देखने के लिए एल्ट F1 करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भी इसमें जो डिटेल आ रही है वो 41,230 रुपये की परचेज हमें दिखा रहा है, जबकि जो हमारी परचेज है वो नेट वो 42,970 रुपये की है, इसमें से 1740 रुपये का सामान हमने रिटर्न कर दिया। तो ये जो परचेज रहेगी हमारी परचेज और परचेज रिटर्न होने के बाद में जो नेट परचेज बनेगी वो रही रहेगी। और इसी तरीके से आप सेल भी देख सकते हो भी जो हमारी एक्चुअल सेल है वो 6,766 रुपये और 95 पैसे है, इसमें से 372 रुपये और 88 पैसे के हमने रिटर्न हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो टोटल सेल है वो 6,394 रुपये और 7 पैसे की हो रह जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें GST की रिटर्न कैसे तैयार करते हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।